हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज मैं आपको बताऊंगी इंस्पेक्टिंग स्टाफ के बारे में, जो कि फैक्ट्री एक्ट में ही लिखे गए हैं। इनको इसीलिए कंपलसरी किया गया क्योंकि जो एक्सटर्नल ऑडिट्स किए जाते हैं वो इनके द्वारा किए जाते हैं और रिपोर्ट जो है वो फॉलो की जाती है, जैसे कि ये सेक्शन 42-43 में बताया गया है। क्योंकि होने वाले जो लीगल कंप्लायंसेस हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें वो चेक करने आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें चेक नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि कौन सी इंडस्ट्री से फॉलो कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये इंस्पेक्टिंग स्टाफ जो है वो यही करता है। जो भी आप जिस भी स्टेट में हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हैं, वहाँ क्या है, इनको हायर किया जाता है और फिर ये लोग जाके इंडस्ट्री में चेक करते हैं कि किस किस तरीके से सेफ्टी मेंटेन की जा रही है या नहीं। आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं वहाँ के सेफ्टी डिपार्टमेंट कैसा है, कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, होने वाले जो एक्सीडेंट्स हैं उनकी क्या डिटेल है, और सबसे मेन चीज़ जो लीगल कंप्लाइंसेस रहते हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। देखिए, होने वाले जो भी जितने भी वर्क हैं उन सबके लिए एक लीगल कंप्लाइंसेस रहते हैं। लीगल कंप्लाइंसेस फॉलो करना पड़ता है, ये अपनी कंपनी की पॉलिसी होती है। ठीक है, अब लीगल कंप्लाइंसेस के अंदर ये चीज़ें, जैसे आपके यहाँ से निकलने वाले धुएँ की वजह से एरिया, एटमोसफियर, एयर जो है वो पॉल्यूट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, आपके यहाँ से निकलने वाला जो वेस्टेज है वो कुछ भी इन्वायरमेंट को हार्म ना करे, तो उसके लिए क्या कंप्लायंसेस आपको दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो फॉलो हो रहे हैं यानी, तो ये सारी चीज़ें उसमें चेक की जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके की पोस्ट रहती है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट जो अपॉइंट करती है उनके ये 6 टाइप्स रहते हैं, जैसे कि चीफ इंस्पेक्टर, एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर, जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर, डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर एडिशनल इंस्पेक्टर। ठीक है, ये लोग चेक करते हैं इंडस्ट्रीज़ में होने वाले एक्सीडेंट्स क्या चल रहे हैं। ठीक है, इनके पास पावर्स होती हैं चीफ इंस्पेक्टर के पास और अलग इंस्पेक्टर्स जो भी जितने भी हैं उनके पास इंस्पेक्ट करने की, किसी भी स्टेट की किसी भी फैक्ट्रीज को ये इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंस्पेक्शन कर सकते हैं जाके। ठीक है, कोई भी इसके अलावा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी इंडस्ट्री विजिट नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल ऑडिट के लिए आते हैं वो इंस्पेक्टिंग स्टाफ के द्वारा ही जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे बेनिफिट क्या होता है, उन लोगों को पता चलता है कि देखिए इंस्पेक्शन होगा, हम लीगल कंप्लायंसेस फॉलो करें, लीगल कंप्लायंसेस फॉलो होंगे तो अपन अपने एनवायरनमेंट को सेफ रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होने वाले एक्सीडेंट्स क्या क्या हैं, कैसे हो रहे हैं, उनकी डिटेल हमें पता चलेगी। ठीक है, कंपनी में जाके, इंडस्ट्री में जाके हमें पता चलेगा कि उधर कितनी सेफ्टी से काम हो रहा है। ठीक है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, सेफ्टी उसमें रखी है उनने या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, सारी चीज़ें अपन जान सकते हैं कि कैसे सेफ्टी रखनी है, कैसे क्या हमने कर रखा है। तो क्या है, इंस्पेक्शन जब होता है तो अपन को क्या है, दिक्कत नहीं आएगी, और इंस्पेक्टिंग स्टाफ का यही बेनिफिट है कि उनके डर से हम सारी चीज़ें रख सक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इंस्पेक्शन किया जाता है। ठीक है, अब क्या है, जब भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, चीफ इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन कर रहे हैं या कोई भी इंस्पेक्शन कर रहा है, तो वो क्या है, उसको पता रहेगा, उसको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि कंस्ट्रक्शन अगर चल रहा है कहीं पे तो क्या क्या वहाँ पे होने वाले एक्सीडेंट्स थे और क्या उनने फॉलो किया है। इसका मेन मोटिव यही रहता है, जो भी लीगल कंप्लाइंसेस बनाए गए हैं एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन को लेकर, क्या वो फॉलो हो रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मेन रहती हैं कि जो भी इंस्पेक्टर रहता है वो यही सारी चीज़ें चेक करेगा, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेगा, रजिस्टर्ड करेगा, रिकॉर्ड देखेगा, सारी चीज़ें देखेगा और चेक करेगा कि क्या सच में आपकी इंडस्ट्री जो है वो सेफ्टी मेंटेन कर रही है। ठीक है, ज़्यादातर कहाँ पे ये देखा जाता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे ज़्यादातर ये रहता है, क्योंकि वहाँ के होने वाले जो एक्सीडेंट्स हैं वो भी बहुत रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें चेक की जाती हैं। इंस्पेक्टिंग स्टाफ रखा है इसलिए जाता है कि हम गवर्नमेंट इसे रखती है तो क्या है, चेक करने के लिए, क्योंकि आपके एरिया में अगर कोई नई इंडस्ट्री भी खुली है तो वो चेक करेगी, पहले परमिशन लेगी, वो जाके चेक करेंगे, इंस्पेक्टिंग स्टाफ जाके चेक करेगा कि क्या इनकी इंडस्ट्री सच में सेफ्टी रखेगी, किस चीज़ की है, क्या क्या हज़ार्ड हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद उसके लिए लीगल कंप्लायंसेस बनते हैं और वो फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं इंस्पेक्टिंग स्टाफ से। इंस्पेक्टिंग स्टाफ जो है ये एक्ट के अंदर आता है, तो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है ये सारी चीज़ें होना।
ठीक है, कभी भी आके कोई भी इंस्पेक्शन कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी काम करें सेफ्टी के साथ करें, ठीक है। तो आज ही मैंने आपको इंस्पेक्टिंग स्टाफ के बारे में बताया, जो कि सेक्शन 42-43 के बीच में बताया गया है, इसका रिलेटेड यही है, सीधे सीधे इसका यही रिलेशन है कि आप जो भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, जो भी आपकी इंडस्ट्री है, वहाँ कैसी सेफ्टी रखी जा रही है, सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं हमें, ठीक है। कंपनी की पॉलिसीज़ तो आप फॉलो कर रहे हैं, क्या लीगल कंप्लायंसेस आप फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आके वहाँ क्योंकि चेक करते हैं किस तरीके से होने वाले एक्सीडेंट हैं, उनके अकॉर्डिंग वहाँ के लीगल कंप्लायंसेस जो दिए जाते हैं उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करने वो आते हैं। साथ ही सारी चीज़ें चेक करने के बाद देखिए ये भी देखा जाता है कि आपके यहाँ कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो कोशिश करें सेफ्टी मेंटेन रखें, जिसकी वजह से आपके यहाँ जो भी इंस्पेक्शन होता है उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये मैंने आज इंस्पेक्टिंग स्टाफ के बारे में बताया, सो थैंक यू।